नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, स्वागत है आप सबका अपने चैनल ट्रैवल्स पर। और आज का व्लॉग थोड़ा सा अलग है, एक शॉर्ट व्लॉग होने वाला है, बट आज जो हमारे कंपेनियन हैं वो बहुत ही डिफरेंट लोग हैं। चलिए मैं आपको मिलाता हूँ एक एक करके। एक्चुअली क्या है, आज 3 to 5 प्लस में से 6 लोग हम निकले हैं स्कूल से बाहर थोड़ा सा आउटिंग के लिए, और साथ में है मुक्तेश्वर सर, निगम सर ये हमारे हिस्टोरियन हैं, तो ये एक्चुअली हमें एक हिस्टोरिकल साइट दिखाने आज लेके जा रहे हैं। और साथ में है शर्मा सर, हेलो, ये हमारे मैथ्स के सर हैं। और ये हमारे गुरुजी हैं मिश्रा सर, संस्कृत के सर हैं, अभी साइड सीट पर आ गए, पहले वरना साथ बैठे हुए थे, गाड़ी चला रहे थे। और उधर स्पेशल इनवाइटी प्रिंसिपल सर हैं, जो भी ड्राइविंग सीट पर हैं उनसे थोड़ी देर में मिलेंगे। और मैं आपका होस्ट, तो अब अलर्ट होके बैठना है। अभी मिश्रा सर थे, अब गाड़ी की स्पीड हो गई है थोड़ी सी तेज। आज दरअसल हम लोग देखने जा रहे हैं हस्तिनापुर की आर्कियोलॉजिकल साइट। अब क्या मिलता है, कितना मिलता है वहाँ पहुँच के, वो वहाँ जाके पता चलेगा। और दिल्ली से लगभग 2.5-3 घंटे में वी हैव मेड इट टू हस्तिनापुर नाउ। और हस्तिनापुर में आकर हम सबसे पहले जा रहे हैं आर्कियोलॉजिकल साइट पर, जो कहा जाता है कि पांडवों का किला था, जो कि ऑब्वियसली अब ज़मीन के अंदर है। तो एक ट्रेल ऐसे बनी हुई है, ये पूरा माउंट सा है, और हम सब लोग, मिश्रा सर भी कुछ कहेंगे सर, दर्प न करें, अभिमान न करें, नहीं तो अंतिम स्थिति हस्तिनापुर जैसे साम्राज्य का जैसा होता है कि हस्तिनापुर जैसा साम्राज्य जो भरपूर भरा था, आज उसके खंडहर दिखाई दे रहे हैं। इसलिए अभिमान न करें, यही मेरा संदेश है। ऐसा एक ट्रेल है, और यहाँ आने के लिए गूगल मैप पर आपको डालना है हस्तिनापुर आर्कियोलॉजिकल साइट, जो आपको सीधा यहाँ पर लेकर आएगा। फिलहाल हम आ गए हैं हस्तिनापुर आर्कियोलॉजिकल साइट पर, जहाँ पे थोड़ी खुदाई उदाई चल रही है, देखते हैं शायद वही है या कुछ और है। सो दिस इज़ दी आर्कियोलॉजिकल साइट, और अंदर से ये थोड़ा बहुत मटेरियल यहाँ पर निकला है। क्या मुक्तेश्वर सर कुछ कहेंगे? हाँ, मैं ये कहना चाहूँगा कि मुझे ये साइट देख के ऐसा प्रतीत नहीं होता कि ये बहुत हजारों साल पुरानी साइट रही होगी। ईंटें देखकर, हाँ, मुझे ईंटें देख के, मुझे लैंडस्केप देख के ऐसा लग रहा है कि ये 200-400 साल पुरानी साइट है। और देखिए हस्तिनापुर में, ये तो आप जानते हैं कि ये महाभारत से संबंधित एक साइट है। अभी यहाँ ना बहुत बड़े लेवल पर एक्सकेवेशन हुआ नहीं है। फिर इसका, अच्छा, मतलब मुगल पीरियड का ही अभी चल रहा है, उससे पहले की खुदाई का कोई, पहले की खुदाई का भी कुछ नहीं निकला, इसके नीचे ही निकलेगा जो निकला था। पहले तो खुदाई हुई थी नीचे वाली, नहीं, बीबी लाल के समय में 1987 इधर उधर खुदाई हुई, पर खुदाई हुई थी वो, पर उसमें जो निकला था वो सब वहाँ से लगाया था। आगरा, आगरा संग्रहालय है इसका बड़ा, तो वहाँ पर रखा सामान, तलवार वगैरह निकली थी वहाँ। वो खुदाई ऐसे नहीं हुई थी जैसे ये हुई है, वो खुदाई नीचे से ही होनी शुरू हुई थी एक तरफ से, फिर उस पर बैन लगा दिया। कहाँ नीचे वाले, वो परली तरफ था, वो इससे परली तरफ नीचे से ही शुरू हुआ था। हाँ, वो नीचे से ही एक्सकेवेशन होता चला गया, वो ऐसा हुई थी जैसे जे सी बी से कर रहे थे। हाँ, तो एक एरिया ऐसे करके कवर करके और उसी में खुदाई किया था, एक ही जगह पर, पूरे में नहीं खुदाई हुई जैसे ये वाला एक नहीं हो रही थी, वो थोड़ा सा एरिया दिमाग करके केवल उसी जगह।
वासावली हम लोग खाते हैं, इनको पता है, इसलिए सारी इनको ये इनको स्वास्थ्य की बीमारी है। कैसा लगा सर आपको ये जगह हस्तिनापुर? हम आए हालांकि एक छोटी सी साइट थी, कुछ विचार आपके? अनुभव तो बहुत बेहतरीन रहा, क्योंकि जो कभी पुस्तकों में पढ़ते थे, कथाओं में सुनते थे, टीवी सीरियल्स में देखते थे, उसको व्यक्तिगत रूप से उसका अनुभव लेना अपने आप में बड़ा ही रोचक है। हेलो, हालांकि मेरे विचार से इस स्थान का जैसा विकास होना चाहिए वैसा विकास हुआ नहीं, थोड़ा और विकसित होना चाहिए, जैसे और पर्यटन स्थल हैं ताकि अधिक लोग आएं, इसके बारे में जानें, हम अपने बच्चों को लेके आए, वो हमारी संस्कृति इतिहास के बारे में समझें, और वो तभी होगा जब यहाँ इस स्थल को एक अच्छे तीर्थस्थल के रूप में या कम से कम पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा। सर आपने भी देख लिया, कुछ पॉइंट ऑफ व्यू? नहीं, अभी तो खुदाई चल रही है, तो सरकार को इसमें प्रयास करना चाहिए कि खुदाई करें और जो भी हमारा इतिहास है उससे पता चले, और जो भी साइंटिफिक मेथड आज उपलब्ध है हमारे पास उसके और जो भी ओरिजिनल स्क्रिप्चर्स हैं उसके थ्रू दोनों को कोरिलेट करके और इस पर कर, क्योंकि है कुछ ना कुछ, ये तो हमने देखा, अब क्या है वो साइंटिफिकली कैसे क्या हो सकता है, किस पीरियड का है, जैसे जो हम गार्ड से बात कर रहे थे तो उसको 16वीं शताब्दी का बता रहे थे और वो हमें देख के भी लगा जो हमने देखा है, तो अब 2500 साल पुराना या 3000 साल पुराना या क्या था वो अच्छे से खुदाई करके काम होना चाहिए, क्योंकि है कुछ, अब ये है कि काम होने के बाद ही पता चलेगा और हमें ज़रूर अपना इतिहास जानने की कोशिश करनी चाहिए। मेरा इतना ही है। मिश्रा सर क्या कहेंगे, आपने भी देखा? अभी प्राचीन काल में जैसा कि कहा गया है, चाहे हम प्रथम शताब्दी में देखें, विक्रमादित्य के समय में, कि विक्रमादित्य के समय में जो उनका सिंहासन था और उसके बाद भोज, राजा भोज के समय में उस सिंहासन को खोदने से मिला, तो वो भी ऐसा ही एक ऊंचा स्थान था जिसमें कि वो खुदाई में मिला था और उसके बाद फिर उनकी पुतलियों पर रखते हुए वो राजा विक्रमादित्य के समय की जो का जो सिंहासन था, तो वो उसी तरह से देखने में ये लगता है कि विश्व पितामह जैसे 8वें वसु इस पृथ्वी पर आए थे और यहाँ कंकड़ पत्थर ईंट वगैरह मिट्टी में मिल रहा है, इसका मतलब इसका लगता है कि यहाँ पर राजभवन जरूर रहा होगा और कई बार वो टूटते ही समय के खंड के अनुसार वो टूटता फिरता होगा, तो उससे ये दिखाई तो दे रहा है कि हस्तिनापुर है। और जैसा कि हमारे प्राचार्य महोदय ने कहा कि इसका अच्छे से जांच हो जाए, जो भी हमारी वैज्ञानिक विधियां हैं कार्बन डेटिंग वगैरह इससे पता करके कि कब का है, कितना है पुराना, और जो नीचे तक खुदाई कर लेने से ये पता चल जाएगा, जरूर पता चलेगा कि ये हस्तिनापुर क्या है, हमारे विश्व पितामह और राजा शांतनु और द्रोणाचार्य जैसे गुरुओं का स्थान रहा होगा। हमारा हस्तिनापुर आने का मेन पर्पज़ आर्कियोलॉजिकल साइट देखना था। वो साइट देखने के बाद हम ये पांडेश्वर महादेव मंदिर आए और अंदर महादेव के दर्शन करने के बाद टाइम था हमारे वापसी जाने का। इसी मंदिर के आसपास के एरिया में जैन टेंपल्स बहुत सारे स्थित हैं, तो यदि आप चाहें तो जैन टेंपल्स भी विज़िट कर सकते हैं। तो इसी के साथ हम करते हैं इस वीडियो को ख़त्म, आपसे मिलते हैं हम अपने अगले व्लॉग में, तब तक अपना बहुत ध्यान रखिए और देखते रहिए ट्रैवल।